नमस्कार। रातोपाना ऑनलाइन के आधिकारिक फेसबुक पेज हमरो प्रदेश टीवी के यूट्यूब चैनल मार्फत हम के देख रहा संपूर्ण दर्शक महानुभाव के स्वागत करतानी हम श्याम सराफ। रउआ अभी देख रहा बानी कार्यक्रम बतकही। अब बतकही में हमनी के राजनीतिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, समसामयिक घटना लगात के विभिन्न विषय वस्तु पर इहे क्षेत्र में काम कर रहल व्यक्तित्व लोग से बतकही करनी सर। एमे रहल समस्या कइल जा सके वाला समाधान लगात के विषय संबंधित व्यक्ति या निकाय तक पहुंचावे के प्रयास करनी सर। और आज जो अतिथि हमनी के संगे बानी शायद वहां के परिचय के पात्र नहीं की, वहां के बीतल समय में ऐसन ऐसन काम कैले बानी जमना के चलते इतना भयावह स्थिति बिगड़ के भैया के बाद भी हमनी के सहज तरीका से उ महामारी से बचे में सार्थक और समर्थन हमनी के भइल। वहां के पिछलका समय कोविड के पहलका लहर जब चलत रहे ओकरा बरसाती मैन के नाम से भी उपनाम हुआ के देखल गई रहे, काहे से कि पहलका बेर जब स्थिति भयावह भइल तो सब लोग के मन में डर रहे, त्रास रहे कि उपचार करे के जाय। वहां एगो ऐसा व्यक्तित्व रहनी जाना बेरा उ महामारी के बीच में भी डर त्रास भय होते हुए भी अपन घर परिवार बा उ होते हुए भी बरसाती लगा के और स्रोत साधन के अभाव में सबसे पहले निकलनी आ उपचार हमनी कैले हमनी कर्म से कह के कहे वाला व्यक्ति है। और वहां के हैं डॉक्टर नीरज सिंह जी। सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत करना, स्वागत सर हुआ कार्यक्रम में। धन्यवाद श्याम जी। सबसे पहले तो अभी पहलका लहर, दूसरका लहर के बाद रुआ जो अभी समय कुछ बच रहा है एक बाद फिर तीसरका लहर पे जो कहीं ना कहीं महामारी शुरू हो गई बा रुआ लगाए बहुत लोग भी कह दिलक, डब्ल्यूएचओ भी कह दिलक। अब रुआ लोग के कार्य व्यस्तता कितना के बाद अभी निश्चय रूप से अभी तेसरका लहर जैसे शुरू भइल बा ओसे कुछ पेशेंट के आनाई बढ़ गइल बा, मगर एकरा दो ढंग से लेवे के पड़ल। जैसे कि डॉक्टर के पास दो किस्म के पेशेंट होला, एगो ओपीडी पेशेंट होला, एगो इन पेशेंट होला। इन पेशेंट बोला से हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट, ओपीडी पेशेंट बोला से जैसे कि अस्पताल के ओपीडी में या क्लिनिक के ओपीडी में अपने जहाँ बैठे थे वहां पेशेंट आवे के। तो ये नया वेरिएंट के साथ हमनी के कथी फील कैले बानी कि ओपीडी पेशेंट बढ़ल बा, मतलब जैसे कि डॉक्टर से भेंट घाट करे दवाई लिखावे के पेशेंट बढ़ल बा, इन पेशेंट नहीं है जी। जोन सेकेंड वेव में जोन एगो डर त्रास जोन लेवल के अथी हमनी के जो भोगनी सन है ना, कि देखते देखते 36 घंटा के भीतर में 114 बेड पैक हो गए, बेड बढ़ाते जाए सन केस आते जाए, मतलब वो जो भयानक स्थिति रहे और हरेक केस के मतलब 10 लीटर 12 लीटर ऑक्सीजन चाहे वाला ऑक्सीजन ढोए वाला आदमी के अभाव, मतलब जो फेस कहनी सन वो सब चीज अभी तक हमनी के मतलब अनुभव ऐसा नहीं है। अभी तक हमनी के वार्ड में 6-7 गो पेशेंट रहे, एक दो गो पेशेंट ठीक हो जाए, 3 गो पेशेंट करीब एक्सपायरो भे है ना। तो मगर बात ये आता कि वैसा क्रिटिकल फेज के अभी अनुभव नहीं है होकर। ओपीडी में जरूर रुगा खोकी के पेशेंट के भीड़ बा, और ये अपने के टिपिकल अभी कहें तो पेशेंट के एकदम कंप्लेन में सबके गर्दन के इन्वॉल्वमेंट बा, माने गर्दन में खसखस करना ही, तेका आवाज में परिवर्तन जी, मोटा मोटा थूक गिरना है, कुछ आदमी के थूक में हल्का लालापन जी, हल्का ब्लड मिक्स लेखन, ये सब बेसिक कंप्लेन लेके अभी हमनी क्या पेशेंट आ रहा बल जो टिपिकल नया ओमिक्रॉन के लक्षण है। अब एक अब हमनी के दुर्भाग्यवश नेपाल में हर एक सैंपल के जीन सिक्वेंसिंग कह के साइंटिफिकली कहे के अवस्था नहीं है कि ओमिक्रॉन है, बट एगो डॉक्टर क्लिनिकली एक कह सकता है कि दिस इज ओमिक्रॉन, मान ओमिक्रॉन है लक्षण पूरा पूरी वही हिसाब में बा। बतियाते बनी तो एगो मजेदार बात अपने के कह लेते नहीं कि एगो पेशेंट हमारा फोन कर लेने एक दिन कि डॉक्टर साहब हमार आवाज तैका बदल गए बा, हमार आवाज तैका रानी मुखर्जी लेखन हो गए बा। तो बड़ा हंसी भी लागल, तो हम कहनी कि आप चिंता मत करिए अपने को ओमिक्रॉन हो गए बा। ओकर बाद उस संपर्क में अइलन, टेस्ट उस्ट भइल है ना, तो टेस्ट में पॉजिटिव भी अइलन है ना। तो हमार कहे का मतलब कि अपन आवाज के पेशेंट फील करे लगी तैका चेंज हो गए बा, तैका लंबा समय जी बुखार बल्कि एक ही दो दिन रह सकता है, मगर गर्दन के समस्या अपने के एक हफ्ता तक रह सकता है। बेसिक चेंज गर्दन से ही थूक निकलना है, प्रोडक्शन मोशन फील होना है, आवाज में परिवर्तन, ये मेन वेरिएंट के लक्षण है। और ये इतना ज्यादा सरुआ है, पटापट पटेला, एक फैमिली में एक आदमी घुसल तो बुझी फैमिली भर के हुए में 5-6 घंटा न लगे सबके वो सर जाए। मगर एगो चीज कथी बा कि ऐसे हमनी के वैक्सीनेटेड तरीका ठीक ठाक भइल बा, परसा जिला में वैक्सीनेशन बढ़िया भइल बा जी, वो हिसाब से भी ज्यादा सिकिस तो अभी तक नहीं मिलत जी। जो कुछ आदमी वैक्सीन ना लगेलन, वैक्सीन के प्रति तरीका नकारात्मक सोच रखे रहन,
कुछ वह लोग अभी गंभीर हो रहा बड़न है ना, वैसे अभियो हमनी के मतलब बिनती रही, हमनी के परसा जिला वासी सबसे बिनती रही कि कम से कम जे भी हुए वैक्सीन के प्रति उतना नकारात्मक ना सोची। विश्व में इतना आदमी वैक्सीन लगेल है ना, साइड इफेक्ट चीज कैसा है कि लाख में एक आधा आदमी को हो सके हो सके एक मतलब ये सोचना ही जरूरी है कि हमरे के हुई कह के ओकरा से भागना ही भी ठीक ना भे एक स्वीकार के पड़ल एगो प्रोटोकॉल है। एगो आशा कहीं ना कहीं बाकी अगर महामारी से हमनी के निकले के बाद तो हमनी के वैक्सीने के सहारा से निकले जी, जी। तो कम से कम ये कदम में सबके साथ देवे जी। जैसे विगत के दिन सब में अपन काम कर्तव्य के निर्वाह करते हुए अगर कोरोना के परिभाषित करे के पड़े अपन जो अनुभव बाटे बतावे के पड़े तो वह कोरोना के कैसे बुझनी। निश्चय रूप से मतलब ये एगो ऐसा रोग जो हमनी के मेडिकल लाइफ में पढ़ लिये नारणी सन जी वेरी फैक्ट क्या कि मतलब वायरस रहे कोरोना वायरस रहे एगो छोट चैप्टर रहे एगो किताब में मैंने इतना बड़का महामारी एक ऐसा लक्षण ये सब कुछ के हमनी के कोनो खास एक्सपीरियंस ना रहल सर। ये तो छिमेकी राष्ट्र चाइना से शुरू भेल इटली में गेल दुनिया के देखते हुए तब ओकरा बाद इंटरनेट के माध्यम से हमनी के भी अध्ययन करके एकरा बारे में जानकारी लेके अब बहुत कुछ जैसे फर्स्ट में हमनी के तीन गो जे दिल्ली से आए रहन है ना विशेष धर्मावलंबी के समूह के रहन उ लोग के में देखल गेल रहे जबकि कोनो लक्षण न रहे। आज भी उ दिन आवत कि तीन गो बिना लक्षण के आदमी के लिए पूरा बीरगंज बाजार हमनी के त्रसित रहनी सन है ना, कितना डर भय रहे मानसिक याद आवता था अभी भी मतलब रोआ खड़ा हो जाए वाला स्थिति बा। नारायणी अस्पताल के पश्चिम बगल के बिल्डिंग से पूर्व बगल में वो लोग के सारे गए रहे तो हमरा याद आवता हमनी के एक ट्रक आदमी एक ट्रक सशस्त्र के बुला के रोड के जाम करके कर्फ्यू लेखन करके मतलब जबकि बेचारा वो लोग बिना लक्षण के पेशेंट रहन है कोनो किस्म के वैसा। आज के डेट में और वो डेट में कोविड आदमी दो बरस में बहुत समझल मगर फर्स्ट फेज में कोविड के जे एगो मानसिक त्रास रहे एम्बुलेंस सुन के बहुत लोग डरा जाए सुन के डरा जाए। और दूसर चीज कथी रहे कि एगो हमनी के प्रोटोकॉल के तहत शुरू में ये रहे कि बॉडी डेड बॉडी के नेपाल सरकार के आर्मी ही डिस्पोज करे जी। ई प्रोटोकॉल के तहत के भी एकर मतलब कुछ निगेटिव इम्पैक्ट कथी गए कि बहुत आदमी अपन लक्षण घर में लुकावे लागल ओकरा होए कि हॉस्पिटल में जाम कहीं मरिए जाम तो हमरा बालो बच्चा के लाश न मिली आदमी के तरीका धार्मिक फीलिंग सब होला तो कुछ जे हिंदू लोग बा चाहेला कि हमर बेटा हमर धार्मिक संस्कार करे मुस्लिम लोग चाहेला अपना हिसाब से होके। अब बहुत आदमी के मन में ये भय हो गए कि मने हॉस्पिटल जाता नहीं मरियो जाता नहीं तो हमारे लाशों के मुक्ति नहीं है मिले की स्थिति ना हो सकी सदगति ना हो सकी। ये अवस्था में कथी भेल कि बहुत पेशेंट हमनी के मतलब अंडर डाटा रह गए गाँव में सीरियस भेल उनकर गाँव में इलाज भेल गाँव में कुछ आदमी जीलक कुछ आदमी मरलक मगर उस चीज के डाटा में भी तक नहीं जी क्या कि डाटा में तो जेकर कोविड पॉजिटिव डेथ आई वह डाटा मिल जाएगी अपने के ये एगो हमनी के मतलब आज भी दुख लागेला जी। अब जैसे कहल जाला कि विगत के दिन सबके अनुभव लेके सीखत हुई आवे वाला दिन सबके हमनी के योजना बनावे के पड़ेला वही हिसाब से हमनी के पहिलका आ दूसरका लहर जब शुरू भई रहे उ बेरा एगो तनाव रहे उ त्रास रहे एगो हमर परिवार बाटे उ सबके देखते हुए भी जे हमर दायित्व बाटे उ करही के परी कह के जौन सोच रहे तीसरका लहर भी लगभग शुरू हो गेल बाटे ओ बेरा के अवस्था और आज के अवस्था अगर तुलना करे के पड़े तो रुआ कैसे करे। निश्चय भी एगो चीज कथी बा कि हमनी आज के अवस्था में पहले से हमनी के आत्मविश्वास बहुत मजबूत बा काहे दुगो वेव के हमनी के मतलब एक किसिम से ओकरा साथ हमनी के संघर्ष कैनी सन दोसर में हमनी के वैक्सीन लेनी सन एगो मन में कहीं भी एगो पॉजिटिव ही बा। एगो बात कथी वाला कि लड़ाई में लड़ते समय आदमी लड़ते लड़ते ही मतलब कौशलता हासिल करे लगे कैसे लड़े के बा एगो आदमी के ये लेवल के एगो अपना आप में कॉन्फिडेंस बा कि हाँ पहले से अब हम तक बेटर पोजिशन में बानी कि अब हमरा मालूम बा हम कैसे फाइट कर सकता नहीं कथी कर सकता नहीं। हॉस्पिटल सब भी पहले अंडर प्रिपरेशन रहा था ना अब पहले के तुलना में निश्चित रूप से अभी कुछ कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत ठीक पोजीशन में बा। जैसे कि पहले नारायणी हॉस्पिटल सब में सिलेंडर के संख्या रहे 20-22 के संग ऑक्सीजन के ना अब कोविड सेकेंड वेव के बाद तो अब हॉस्पिटल में ही मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर हम के
2-2.5 पीस रख ले बानी सर, जबकि अभी कोनो काम नहीं किया, वो स्टोर में पड़ल बा। मगर एगो फेज ऐसा गुजरल की हमनी के मजबूरी भले उतना राखे ना हमनी को व्यवस्था कर ले बानी सर। तो एगो ये चीज बा की पहले से हमनी के निश्चित एगो यूनिफॉर्म में बानी सर, मतलब बढ़िया जगह पर बांधे, जो पुराना अवस्था रहे, जो रोग के साथ नॉलेज ना रहे, वो अवस्था से अभी के अवस्था में हमने कुछ अच्छा जगह पर बनी। मगर निश्चित रूप से एगो चीज कथी कहल जाला कि डॉक्टर के काम न करा के बैठाइए के रखल ज्यादा अच्छा है, क्या पब्लिक बीमार ना पड़े के चाहिए, महामारी ज्यादा ना फैले के चाहिए, है ना। वैसे कभी भी देखम सरकार से स्वास्थ्य से ज्यादा जन स्वास्थ्य के बजट दे, सरकार के जहां भी हेल्थ पॉलिसी बनेला ओकनी के ध्यान रहेला कि आदमी कम बीमार पड़े जी, है ना जी। तो जन स्वास्थ्य में ज्यादा स्वास्थ्य सेक्टर के ज्यादा बजट दे रहा है, का अर्थ ये है कि कैसे आदमी के बीमार न पड़े दिया वो में काम करे के पड़ा जी, रोग कैसे ना फैले, पेशेंट कैसे हॉस्पिटल तक ना आवे, है ना। कोनो देश में डॉक्टर बहुत ज्यादा बिजी बात वो अच्छा बात नहीं है, डॉक्टर के तो आराम आराम दे। अब जैसे कहला कि कोनो भी महामारी में सबसे पहिलका जो सिपाही होला, जो भी कोनो भी महामारी आयल तो सबसे पहिलका सिपाही एगो चिकित्सक होला, एगो डॉक्टर होला। वास्तव में रुआ लोग अर्थात में एकरा के देखौनी विगत के दिन सब में, अब ई सब करे के चाहे लगाए तो रुआ जो संस्था में काम करते हैं संस्था के विरोध में भी रुआ बोलनी, अगर गलत कर रहा बा तो राज्य के विरोध में भी बोलनी और गलत कर रहा बा तो साहस कैसे आएगी। हाँ ये वो साहस जे शब्द बा श्याम जी, साहस शब्द कथी होला कि हमनी के बड़ा अपने बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछ देनी। बहुत हमनी के सोसाइटी में लोग ये बुझेला कि साहस शब्द इनबॉर्न कैरेक्टर है, इनबॉर्न मतलब आदमी के जन्मजात आवेला कहते, मगर हम एकरा ना मानेनी। साहस अपने के समय के हिसाब से अपने के डेवलप करे वाला कैरेक्टर। अब जैसे अपने संघर्ष में बानी तो मैक्सिमम आदमी अपने के अगल बगल में नर्वस रहेगा ना, मगर वही में जे रियल अपने के लीडर हुई, जे अपने के रियल मतलब लड़ाकू आदमी हुई, वही में वो अपन साहस देखा के निकले का रास्ता दिखाई, और वह आदमी साहसी कहला। तो साहसी वास्तव में समय परिस्थिति दुख के महासागर में जन्म ले वो कैरेक्टर है, वो इनबॉर्न ना होला, वो कहीं से वो आवेला से वाला बात नहीं के, वो अपने आप में अपने के डेवलप करे के पड़ेला, अपने जो माहौल में बनी जहां बनी जन अवस्था बा है ना, वहां अपने के डेवलप करके आवे के पड़ल। एगो चीज कथी बा कि अपने गलत चीज करम तब अपने के डर बा, जब अपने सही चीज करम तब कोनो डर नहीं है। जैसे कि हमरा आज भी याद आवता कि रेडियो बीरगंज के हमरा इंटरव्यू भइल रहलक, ध्रुव शाह जी के इंटरव्यू में, नेपाल में रजिस्टर ना रहे रेमडेसिविर दवाई तैयार जी, वो पूछ लेना अपने चला देनी, हम कनी कम चला देनी, हम पेशेंट के अच्छा के लिए चला देनी जी, है ना। वो बहुत बड़का मतलब आइस ब्रेकिंग मोमेंट रहे, अगर चाहे तो हमारे नेपाल सरकार उस टाइम में तुम सकत रहे जी, लेकिन वो अवस्था भी पार भइल, वो अवस्था भी पार भइल। हमरा पर बहुत किसिम के फोन आयल, धमकी आयल कि तपाईले छ किन यस्तो कुरा भन्नु भयो, हैन जी। मैले हम कहनी कि भाई जब हमरा पेशेंट के दिक्कत बा, हैन, अमेरिका लेकिन राष्ट्र में दवा के प्रयोग हो रहा बा, ओकर रिपोर्ट आ रहा बा, अच्छा पेशेंट पार्टी कहीं से दवा ले आता तो ओकरा हम खाली दवा ना चलाई, ऐसे की बर हमर सरकार एकरा अनुमति नहीं देले, हम अपना आंख के सामने छटपटा देखत रही जी, ई नैतिकता ना कही भाई हम चलाए जी। लेकिन जैसे रुवा लोग तो कोरोना महामारी में कहीं ना कहीं फ्रंट पहल का व्यक्ति है, वो लड़े वाला पहल का फ्रंट लाइन में रह के काम भी कहीं लोग, लेकिन बहुत सारा चिकित्सक लोग एक आदमी के चलते सारा लोग बदनाम होला जो कहनाम बाटे, बहुत चिकित्सक लोग ऐसा भी मिलल, बहुत हॉस्पिटल ऐसा भी मिलल जहां पेशेंट के बुखार लागल बा, सर्दी खोखी भइल बा, तो वो लोग छुए तक ले कि ना माने, अपना भीतर कहीं ना कंपाउंड भीतर भी आवे देवे ना माने लोग। हालांकि वह पेशेंट के गांव के जो चिकित्सक लोग कहला झोरा छाप डॉक्टर, वो लोग सहज उपचार करके लोग ठीक कर भी रिजल्ट बहुत बाटे, बहुत लोग मरल भी, बहुत लोग ऐसा का रिजल्ट भी हमने के सामने आंख के सामने बाटे। खास करके रउआ ये चीज की कैसे सोच रहा बने? निश्चय ही देखिए एगो चीज कथी बा कि अब आदमी के तक पर्सनल कैरेक्टर हो गए कि कौन कितना मतलब साहस प्रदर्शन करता है, रिस्क लेता है, ये वो अलग पार्ट हो गए। दोसर हमनी के मेडिकली भी एगो चीज ये रहे कि डॉक्टरों में जे डॉक्टर लोग अब दीर्घकालीन रोगी बढ़न है ना, सपोज को मोटू रोगी बढ़न, को डायबिटीज बढ़न, एज फैक्टर ज्यादा बा, तो उन लोग के बचाइए के चले के कहते एगो हमियों के इंटरनल गाइडलाइन ये सब चीज रहे, तो वो डॉक्टर साहब लोग सीनियर डॉक्टर साहब लोग के उन लोग के खतरा।
बट यंगस्टर डॉक्टर के तो इंकरेजमेंट रहे वर्ल्ड वाइज कि भाई हमिये के ही महामारी थामे के बा, हमिये के एकरा फाइट करे के बा, है ना। तो उ लोग के कहीं ना कहीं एकरा कमी कमजोरी कहें कि उसे ना कर देना, है ना। आ अपने जे कथी कहनी कथी कि मतलब गांव के जे झोला छाप, तो लाइफ में दूगो चीज कथी बा कि जेकरा बढ़िया नॉलेज बा ओकरे डर लागला, जेकरा नॉलेज नहीं है तो उते के डिफिकल्ट रहला। कथी बा कथी बा वायरस के बा आंख से तो नजर नहीं आवे, कहां वायरस है केने वायरस है बात ना उसने। तो वो कथी है कि लैक ऑफ नॉलेज से ओवर कॉन्फिडेंट बा जी, होइए नहीं कर सकत ई होइले नहीं, होइए नहीं हम देख लई नहीं कि का न हो मत एगो सुइया ठोक देबे के बा हो जाय हो गए हमरा एकरा बापती 5 जगह बोलला ना 1000 रुपया दे परन तो अपन लगा देबे के बा ना। बहुत आदमी वही से सक्सेस भी हो गए ना, तो बहुत लोग दुकान बहुत बढ़िया भी हो गए महामारी के चलते, नाम भी बहुत बढ़िया हो गए। अब देखिए हमनी के आज भी याद बटे पहले का जो घटना भई रहे, बहुत संचार कर्मी लोग के बहुत ना दो तीन आदमी जन के कोरोना भी संक्रमित भई, उहे डर त्रास के मारे हमनी भी स्वैब कलेक्शन करा गनी सर। घटना आज भी याद बटे जन पर हम लाइन में रहनी सन, रुवा अपने जीप से पानी गरम करने वाला को कुछ साधन लेके आए रहनी। हमने के स्रोत साधन इतना कम रहे हो बेरा पहले का सरकार चरण के बेरा, सब स्रोत साधन अपने से जेंगे तेंगे जमा करके उस उपचार में सहजता कहनी। अभी तीसरका लहर होके लागल, स्रोत साधन के अभी कैसा अवस्था बाटे? देखिए स्रोत साधन के चैप्टर बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर बा। इसे का है, हमने तो श्रमिक डॉक्टर हैं सर, हमने काम करेनी हॉस्पिटल के रियल एगो एनुअल बजट होला, नॉर्मल हॉस्पिटल चलावे के एगो कोविड शीर्षक में छोटे बजट आवेला। अब कोविड शीर्षक में कितना बजट आयल ना आयल ये सब चीज पारदर्शी ना होला, ये सब चीज हमनी के ना मालूम चलेला। हमनी के स्वास्थ्य कर्मी में हमनी के होल नेपाल के डॉक्टर सब आज भी आंदोलन में अपने देखले हो माइती वर मंडला में खड़ा रहल कि भत्ता दे कहते, है ना। ड्यूटी कल डॉक्टर के बेचारा के भत्ता तक नहीं मिलत जी, है ना। हमनी के हॉस्पिटल में ड्यूटी करे के टाइम में ड्यूटी लिस्ट बात खाली भागा भाग हो जाए, है ना। भत्ता के बेरी में कहां से सब आदमी अपन कौन कौन पेपर दिखावस कि हम फलना दिन छू देले बानी कोविड, हम फलना दिन छू देले बानी कोविड है, तो एक दिन छू देले बानी तो हमू तो छुआइए गेली तो हमरा पूरा डेढ़ महीना का ही भत्ता चाहिए जी। रिस्क एक बेर छुई चाहे 10 बेर छुई, रिस्क तो उतने रिस्क तो मतलब डार्क सब तो बात। भत्ता के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता प्रशासन, कहां आवता, प्लस आर बाकी चीज में जैसे कि हम ये फील करनी कि फर्स्ट बेर में पूरा बाजार लॉकडाउन में रहे, अस्पताल के जती जती चाहे तो हमनी के तत्कालीन उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष जी गोपाल केड़िया जी रहला ना, तो गोपाल केड़िया जी के साथ हमनी के बात करी सन कि हमनी के ये सामान चाहे, और हमनी के वो व्यापारी सबसे खोलवाई और बहुत व्यापारी हमनी के स्फूर्त रूप से वो हमनी के सहयोग कर लन, ओकरा बापत कोनो किस्म के आर्थिक पैसा वो ना लेलन, है ना। जति मांगी सन स्पीकर चाहिए कहके स्पीकर देलन, माइक चाहिए तो माइक चाहिए, जति चाहिए खाना के बर्तन चाहिए तो खाना के बर्तन देलन, मने जोन चीज कहनी सन छपैया के कुछ हमनी के बच्चा बुच्ची सब भरना हो गए, बच्चा बुच्ची के लिए खिलौना चाहिए, कैरम बोर्ड चाहिए, सब कुछ झुंझुना तक हम किन के हमरा दे लेवा जी जी, है ना। बालोर पट्टी के दुकान में है भोरे भोरे हम गईनी, हम कहनी कि भाई हमारा चाहिए झुंझुना, हमनी के 2 बरस के बच्चा सब आ गए बा हॉस्पिटल में, ओकरा तू बेचारा दुकानदार हमनी के झुंझुना तक देले बा उहो सब लिया के हॉस्पिटल, मगर हॉस्पिटल ई सब के बाबत कहीं कुछ पेमेंट नहीं कैले, ई सब पब्लिक के सपोर्ट है, पब्लिक के कैलक। ओकरा बाद में डेड बॉडी के अवस्था देखते हुए हम एगो अपन सामाजिक संजाल में एगो स्टेटस लिखनी कि भाई कम से कम लाश के भी डिग्निटी एगो एगो अपन किस्म के एगो अथी होए के चाहिए, सम्मान होए के चाहिए, हां। तो हमर ई बात के वीरगंज के एक व्यापारी बहुत मारमी पहलन हमर वो स्टेटस पढ़ के, ओकरा बाद वो हमरा फोन कइलन कि अपने जल्दी से जल्दी मगाई, हम एकरा के डोनेट करे के लिए तैयार बनी, और हम ये ना चाहें कि हमर नाम ही कहीं उल्लेख हो जी, ऐसे इतने ऐसे बड़ा चीज कुछ भी ना हो जी। और वो बेचारा एक उस ऊपर 9 लाख के सामान, वो 8 लाख दान चुन रहे मोटा मोटी 9 लाख के सामान सीधे वो गुप्त दान देलन जी, है ना। ओकरा बाद में बहुमत ये सब चीज एगो चीज हमनी के परसा जिला के वीरगंज की बहुत अच्छा लागेला कि दुख में हमनी के सब साथ देवे सन, सब आदमी के एगो कॉमन स्पिरिट रहेला कि केहू एमे से निकली, है ना, एमे पैसा के हिसाब किताब ना जोड़ेला। मगर ई सब कुछ होते हुए दुख कहाँ लागेला कि जेकरा ऊपर रियली
आर्थिक मतलब कारोबार के सब कुछ दिले बा उ लोग के हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट नहीं है, उ लोग ये चीज पब्लिकली चाहे पारदर्शी नहीं है, चाहे हमनी के कंप्यूटर हमनी के नहीं के मालूम कि फर्स्ट कोविड में कितना बजट आई कहा आई कितना खर्चा भइल काहे कि मेजर सामान तो हमनी डोनेशन देवे ले बा जी हां। और हमर डॉक्टर खुश नहीं के, हमर स्टाफ खुश नहीं के कि हमरा भत्ता नहीं के मिलल ठीक से, रियल में जो काम करे वाला वो लोग खुश नहीं के क्या वो लोग के जितना भत्ता मिले के नहीं के मिलल जी। और कौन-कौन आदमी कौन-कौन क्राइटेरिया से खैलक हमनी के नहीं के पता जी है ना, तो ये सब चीज से हमनी के दुख लागल है कि नेपाल के अभी भी आर्थिक नीति पारदर्शी नहीं, पारदर्शी नहीं है जी, जे चीज बहुत गलत बा। फर्स्ट कोविड बीतल, सेकंड कोविड, अब थर्ड कोविड आवता है ना। जैसे कि हमने के बहुत जगह का हॉस्पिटल के हमने के मालूम बा ऐसा डाटा सब भी बा, कुछ जगह बिना लक्षण वाला पेशेंट के भी बहुत दिन तक भर्ना कैल गेल का है, तो कोविड पेशेंट एडमिटेड पेशेंट के नाम पे मंत्रालय से बजट आ जी है। तो आर्थिक चलखेल करे के लेल भी गलत काम सब भी कैले बड़ा से, कोविड के वैसे ही बदनाम नहीं, जनता कुछ नाराजगी देखावता, जनता कहीं ना कहीं जायज बा अपना जगह पर, काहे कि नेपाल लेखन गरीब देश के कोविड महामारी झेलना ही साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं है जी, इनमें सबके ईमानदारी दिखावे के पड़ा जी है ना। जैसे हमने के बिल्कुल जी मानवता के शहर कहल जाला, कोनो बे अगर ऐसा आवश्यक पड़ल वस्तु के रुआ कह देनी तब शायद ना होई कह के कहे वाला ये व्यक्ति बहुत कम मिले रुआ, लेकिन जहां रुआ लगा दी लगनी हॉस्पिटल उ संस्था जहां आर्थिक चलखेल भइल मंत्रालय से आयल पैसा के भी हिसाब किताब ना देवल गइल, रउआ तो एगो कहीं ना कहीं वहां के प्रतिष्ठित एगो स्थान ग्रहण कैले बानी, एगो प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बानी, जिम्मेवार व्यक्ति बानी, वो हिसाब किताब खोजे खातिर राहुल प्रयास कर रहा हम तत्कालीन सभी मेसु सबसे हम झगड़ा कैले बानी कि जैसे कि हम अपने के कहतानी कि आदमी एक्सपायर हो जाए लाश बोके के बेर में एगो स्वीपर हो, एगो स्वीपर से कैसे लाश बोके जी हाँ जी, उस स्वीपर के हमनी के दूगो स्वीपर व्यवस्था करा, हर एक ड्यूटी में कही सन तो मान्छे छैन, बजट छैन, मतलब हमनी के ऐसा ऐसा सुने के पड़े जी, हमनी के अपना पर्सनल जे भी से हमनी के कई बेर पर्सनल स्वीपर के कहीं से हायर करवा के बॉडी रखवे ले बानी, ये बात मतलब स्वीपर लेवल में जाए तो पूछे तो अपने के पता लग जाए जी हाँ, वो ढंग से हमनी के काम के अपने दुख के घड़ी रहे ओकरा के होंगे निकालनी सन है। नंबर दोसर चीज कथी वैसन ये वो अपने के एगो छोट उदाहरण कहनी है ना, जैसे मैन पावर के कमी बा ना, जैसे कि एम्बुलेंस चाहे तो एम्बुलेंस में जैसे दू गो ड्राइवर रहे, दू गो ड्राइवर में एगो पॉजिटिव आ गए, एगो ड्राइवर कितना काम कितना कर जी ना, तो ड्राइवर नियुक्ति तो डॉक्टर नीरज सिंह ना कर, संभव भी नहीं है, संभव भी नहीं है ना, तो ड्राइवर नियुक्ति करे वाला निकाय के पहले बजट बात होगा नियुक्ति करके तो देवे के पड़ो जी ना, मान ली ड्राइवर नियुक्ति एक ही एम्बुलेंस तो एम्बुलेंस ड्राइवर ही चलाए। अब लेकिन रउआ लोग भी अब व्यक्तिगत हम कहीं नहीं करे, सब संस्थागत करे के पड़ल, व्यक्ति अब रूल बना के करे के पड़ल, लेकिन दबाव जो देवे वाला दबाव सृजना करे वाला जो काम बाटे वो शायद कहीं ना कहीं रउआ लोग के मार्फत ही होके पड़ी तब जाके वो काम हो जैसा हमनी के बुझाई। ये बात सही है, मगर चीज कथी वाला हमनी के दूगो फेज जे बा बड़ा अफरा तफरी में आई जी, मतलब तो पहले अपने समझे के हाँ आदमी पहले भी ऐसे निकली कि कुछ केकरो से पैसा के हिसाब किताब समझ हो जाए जी जी। अब रियली जैसे कि ई फेज बात है, विश्वली फेज बात है, ई फेज में हमनी के पूछ सकता नहीं जी कि अपने के कथी है बजट के स्टेटस है ना, वो दोनों फेज अनएक्सपेक्टेड मूडी पर आ गए, अब तो पहले आदमी के जान बच के निकले के पड़ल तो ओकरा बाद में हिसाब किताब होएगी का ना, मगर कोविड भ्रष्टाचार देशव्यापी रूप में ही एगो मतलब इशू है, बड़का इशू है जी, सरकार के बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें सब कुछ पर खोजी होने के चाहिए है ना, काहे कि न काम करे वाला श्रमिक खुश बा, न जनता के दिमाग में बा कि कोविड के नाम पे इतना इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा बा, आखिर सबके श्रम के पैसा है, टैक्स के पैसा है ना जी जी, तो कोनो किसी के अथी ना हो पड़े, सब कुछ पारदर्शी हिसाब से है ना, सरकार के नेपाल के हरेक हॉस्पिटल के जी ये चीज देखे के चाहिए। जैसे हमने के हॉस्पिटल के ही विषय वस्तु पर केंद्रित होने चाहे सन, रउआ जौन संस्था में अभी आबद्ध बानी वहां सरकार के ओर से जौन कहीं ना कहीं सरकारी बीमा अंतर्गत औषधि के निःशुल्क औषधि के जौन व्यवस्था कल गई बाटे, एक दिन हमने के स्थलगत निरीक्षण में कथी मिलल कि वहां औषधि नहीं खेद जात, बहुत लोग के बाकायदा पुर्जी में ही रउआ लोग के मार्फत ही वहां रेफर करके लिख दिया था, दूसरे अन्य संस्था में जाकर रेफर करके लिख दिया था लगात के कथी वहां, और देखे के मिलल कि जौन फार्मेसी बाटे
वहाँ एगो दवाई दिया था चार गो जो पांच गो प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर लोग दिल रहते वो सब अपने लगे रख लिया जाता है ऐसा विभिन्न अवस्था हमने देखे के मिलल खास में इस समस्या का निश्चय रूप से मतलब हॉस्पिटल में जहिया सरकारी फार्मेसी खुलल गई तहिया सोचल गई कि अब हॉस्पिटल के अब आर्थिक मतलब उन्नति प्रगति उन्नति हो अब कभी दुख सोच ही के ना पड़ी जी। ये सोच के साथ सारा प्राइवेट जितना दवाई दुकान रहे सबके खाली करवा के गवर्नमेंट के अपन फार्मेसी खोल गए। अब रह गई बात उद्देश्य तो बढ़िया रहे अब एक मॉनिटरिंग करे के बात रहे ना। अब जहां जहां मॉनिटरिंग भेल वो अस्पताल का रिजल्ट देखी जैसे अपने चितवन अस्पताल का रिजल्ट देखी है ना। चितवन अस्पताल में अभी ड्यू टू बीमा सरकारी फार्मेसी के चलते ओकर आमदनी ओकर हमने के कुछ दिन पहले पत्रिका में पढ़ लेना। अब वीरगंज के देखी ना वीरगंज में न ठीक से मॉनिटरिंग भेल नहीं कोई देखे वाला बा अपने कैसे कहने अपने के हम बताए नी अभी तो डॉक्टर हमारा ना बुझाले कि नारायणी अस्पताल में हम डॉक्टर नीरज सिंह है हमारा बुझाले दास हमारे काम बा खाली रेफर करे के हमरे देखा मरीजी जब मरीजी हमरा से आठ बरस से दस बरस से देखा था वो हमारा कहता तो अपने के यहाँ दवाई नहीं की मैं रेफर लिखी हम चल जाता नहीं दूसरे अब बड़ा विवश पहले कहीं वो भी लगा नहीं लगे रेफर करे के पड़े कभी कभी लागे जाए कि हम कहा यहाँ काम करे नहीं हम रेफर करे के लिए काम करे नहीं ऐसा अवस्था हो गई बा दवाई के चलते पेशेंट दो चार बेर आयल गए दवाई ठीक से ना मिलल लिखाई एक महीना के मिलल दस दिन ना मिलल बहुत किसिम संबंधी जगह कंप्लेन कैलक सुने वाला कोई नहीं बीस को बात होते हुए अब पेशेंट डॉक्टर के रिलेशन बिगड़ गए पेशेंट अपने वो ऑलरेडी वो झड़क के डॉक्टर तरह होता रेफर करेगा मतलब कहेंगे नहीं पर तू अपने हाँ वो करा बुझा था कि यहाँ इनकरा से बोला से कोनो मतलब है नहीं कि ये करिए नहीं कि सरकार था तो इनका जन बस के बाद भी करा ला इनका से चुपचाप रेफर करा के चल जाओ। अब डॉक्टर और पेशेंट के जो वो रिलेशन होला जो आज वर्षों से हमनी के दो दशक हो गई शहर में बिताएला आज ये एगो मतलब बीमा फार्मेसी के लिए हमनी के बहुत दिक्कत अवस्था में बनी है ना। मगर एमे अस्पताल प्रशासन के जो सोचे के चाहिए जो एगो निष्कर्ष निकाले वाला कदम चाहिए वो अस्पताल प्रशासन में चल ले जी। तो नीरज कुमार सिंह कहे वाला जो नाम बाटे वो अपने में बागी नाम कह किसी नाला कौन लोग सरकार के विरुद्ध में भी निर्धक रूप से बोलनी जे भी गलत के लोगों विरुद्ध में निर्धक बोलनी इस समस्या में रो आवाज उठेती शायद तो इस समस्या भी समाधान हमने के बुझाई बाटे रोवा कहाँ तले पहल करनी इस समस्या के लिए हमनी में हमनी के जे हाकिम साहब होवन उनका ऑफिस में हमरा लगात हमर सब चिकित्सक साथी डेली हमनी के कंप्लेन करेनी हमनी के हुनकरा सामने ही ऑफिस में से जब हाजिरी करके जानी सन तो कहनी कि अब जा तनी सन रेफर करे हुनकरा हमनी के गुनासो भी कहनी हुनकरा टोनो मारनी हुनका अपने जोन लैंग्वेज समझी जितना करे करे हमनी के सब कह चुकल बानी पता ना अब कौन चीज से विवश बरन जी आश्वासन देवलन की कुछ दिन टाइम लागे रे ये सब ठीक करता नहीं है हमनी के समग्र रूप में देखल तो रुआ लोग भी कहत कहत हार गए अवस्था ये अब जैसे हमने के समय भी कहीं ना कि मध्यान बन अंत अंत में ये वानी सन जो कि सरकार लहर आ वाला बाटे खास करके उ लक्षण कैसन ह का ह ओकरा बारे में कुछ प्रकाश पार देती रुआ ई थर्ड लहर के ई चीज बाकी अभी तक के दुनिया में सबसे ज्यादा फैला वाला वायरस है हमरा नहीं के बुझा कि ऐसे कोई बच सके निश्चित बाकी सब भी होबे करी के एकरो कम होबे बेसी होके जी बहुत कम चांस बाकी ऐसे लोग बची क्या इतना एक बार इन्फेक्टिविटी हाई बा मगर ये कहते हुए हमने के नकारात्मक सोचे कि ना भेल जे हमने के जे बेसिक नॉर्म्स बा है ना जे हमने के शुरू से जे जन स्वास्थ्य के जे तीन गो मापदंड है ना प्लस हाथ धोए के जे बात रहे मास्क लगावे के तेगा दूरी कायम करे के ये सब चीज के हमने के पालना करे के आ सबसे ये सबसे ऊपर हमने के वैक्सीन पर ही जोर देवे के पड़ा क्या कि हमनी के विदेश के भी नतीजा देखा था नहीं हमियों के हॉस्पिटल के नतीजा देखा था नहीं जैसे ये हफ्ता में जो तीन गो हमनी के जो दुखद घटना भई तीनों आदमी बिना वैक्सीन के रह गए जी है ना। तो विदेश के भी रिपोर्ट सब वही आ रहा बा कि जोन एरिया जोन गाँव ओकनी के फुली वैक्सीनेटेड बा ओमिक्रोन पूरा पॉजिटिव बा मगर भरना गाँव के हॉस्पिटल खाली बा पूरा गांव पॉजिटिव बा और हॉस्पिटल खाली बा भरना के करे के नहीं के पड़त ये वो बड़का सुखद पक्ष आ रहा बा कि अगर अपने वैक्सीनेटेड बानी तो कम से कम हॉस्पिटल एडमिशन रेट सीधे अपने के कम बाटे है ना। तो जे ग्रुप नहीं के वो ग्रुप ते का वैसे अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जोर हमने के वैक्सीन पर ही जाए के पड़े नंबर वन प्लस दोसर जे मापदंड सब पूरा करे के और
हम जहां तक देखा तानी कि हमनी के पहले से तो बेहतर पोजीशन में बानी, काहे कि दू गो महामारी झेल के हमनी के हॉस्पिटल सब अब तो बहुत जगह जैसे ऑक्सीजन प्लांट सब बनल बा, ऑक्सीजन पाइप सब लाग गइल बा ना, पहले जो जो चीज के दिक्कत रहे उस चीज में हमनी के सुधार निश्चित रूप से भइल बा। तो वैसन कोनो बुरा समय आई तो हमनी उस संघर्ष के लिए मोटा मोटी तैयार फेज में बानी सर। तो जैसे पहिलका बेरी लॉकडाउन लगा के परी स्कूल बंद करे के परी कहे वाला व्यक्ति रवि लो भाई, अभी का अवस्था में हमने के बीरगंज के बहुत लोग का बीरगंज ही ना हमने के देश के ही बहुत लोग हमने के नेपाल के ही कहीं ना कहीं प्रवेश द्वार कह के चिनाए वाला शंकराचार्य द्वार बाटी या गेट के जाला लोग आवे वाला लोग हजार हजार के संख्या में अभी भी निर्वाध रूप से वहां जाना या नहीं बाटे। अब खास करके यही कोरोना के तीसरका लहर बढ़ावे में अगर कैसे भूमिका हो सकेला। देखिए ये तो निश्चित रूप से हमने किया कोविड फैलेला ही हमने के बॉर्डर से ही फैलेला, जब भी वही से फैलल बा, फर्स्ट वेव में भी वह भेल, सेकेंड में भी वह भेल, सबसे ज्यादा चार परब होला तब हमने के बीच में ट्रांसमिशन होला, आदमी एमर से उमर जाला वहां फैलेला। ओमिक्रॉन तो बड़ा फास्ट आई, तो हमने के एक्सपेक्टेशन में शायद होली के टाइम में घुसी की कहकर होली में जब अपडाउन बहुत लोग मन था भी रहे कि फिर होली में कई लोग आ गए और ओमिक्रॉन एक गति बड़ा तेज भाई बहुत फास्ट ही आ गए, मगर फास्ट आई तो ऐसा भी हो सकता कि कम्युनिटी में फास्ट रूप से स्प्रेड करी एगो छोट वेव भी आ सकता ओकरा बाद ही चल जाए ऐसा भी हो सकता। WHO भी कुछ प्रिडिक्शन ये ढंग के कर रहा बा, वैसे अब समय स्थिति देख के लड़े के बाद ज्यादा हवा के नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर नहीं है बने के, एक दूसरा के भरोसा देवे के बाद केकरो डरवावे के नहीं है, त्रास दिखावे के नहीं है, काहे कि हम कथी देखे तानी कि बहुत लोग हमने क्या डरे त्रासे आवत जी जी है ना, पहिलका लोग पहिलका लॉकडाउन में भी महामारी में भी बहुत लोग त्रासे के मारे मर गए। हाँ है ना, तो सबसे ज्यादा कथी बाकी एक दूसरा के डरावे से भी ज्यादा पहले मानसिक भरोसा दी जी कि को लोग हाँ ये जरूरी बात, कोविड बात तो बात कोनो बात नहीं है कोई ना कोई है, वो हाला भी सुनल बा कि ये कोरोना महामारी के अंतिम ये कोई ना कि वेरिएंट हो के रोवा लोग के अध्ययन का कहला ये वो एक्सपेक्टेड ही बा कि जो हिसाब से देखी कथी है कि जैसे जितना जल्दी कोविड फैलला तो कोविड जब ठीक हो जाला तो एक किस्म के छोट मोटी वैक्सीनेशन हो जाला जी, इन्फेक्शन होके ठीक होना ही वैक्सीनेशन बराबर जी जी। तो हमने जैसे कि जे पॉपुलेशन भी नहीं खेल ले तो अगर सामान्य रोग खोकी लेके भी ठीक हो जाता तो एगो ये आशा बा कि ये पैंडेमिक अब छोट मोट इंडेमिक में बदल जाए, रोग खोकी में बदल जाए, खत्म हो जाए कह के एगो ठीक ठाक सोच में एगो वैज्ञानिक सब यही चीज के एक्सेप्ट करता है, मगर वही में दुसोच बा कुछ लोग मानता कि ना कोनो जरूरी नहीं है, फिर एगो वेरियंट भी आ सकता है, एगो कहीं ना कहीं कदा कंचित बा होंगे है ना, अब आगामी समय बताए, मगर निश्चित रूप से ई वेरिएंट अभी के जे वैक्सीनेशन में तेका तेजी जे आइल बा ई सब से अब हमनी के महामारी के मतलब सल्टावे में ही बनिसन बहुत जल्दी जी, हमनी के सुखद कुछ अभी से हमनी के ई महामारी से लड़े खातिर खोप एगो बहुत बढ़िया माध्यम बनल, एगो कही कि अगर कुछ ना भी कलक तो जन आत्मबल बढ़ावे के एगो भरोसा रहे मापदंड बनल। अब बहुत लोग एकरा से अभी भी वंचित बा लोग, बहुत लोग डरा के होके तय अन्य कारण से भी दूर बा लोग, खास करके वैसन व्यक्ति के रूप सुझाव का रहे उ लोग देखिए ये चीज कथी बा कि हम सब दिन हुए कहनी कि पहले इफेक्ट के हिसाब जोड़ी साइड इफेक्ट के पीछे ना पड़े ना, मतलब साइड इफेक्ट के हिसाब जोड़ के जैसे अपने रोड के एक किनार में खड़ा हो गए अपने के ओ पार में जाए के बा, तो अपने ये किनार में रह के खाली सोचम कि गाड़ी आई तो हमारा ठकरे मार दी, फिर देखम एमर से गाड़ी मार दी, तब तो अपने दिन भर रोड क्रॉस करे ना सकम ना, अपने जब पैर रखम तो गाड़ियों वाला ड्राइवर ब्रेक मारी वो बगल करी वो साइड करी तब ना अपने रोड क्रॉस कर, तो ये वैक्सीन के प्रति एक ही बार इतना निगेटिवली सोचे के जरूरी नहीं है, आखिर विश्व में इतना पॉपुलेशन तो लगे लग वर्ल्ड के फ्रंट लाइनर हेल्थ वर्कर जितना रहे स्वास्थ्य कर्मी सब तो सब लगे लग, ये दिक्कत में सबसे पहले हम ये के लगे नहीं है ना, ओकरा बाद रउआ लोग लगे नहीं, बैंकर्स लोग लगे लग, सब लोग ओकरा बाद कॉमन पब्लिक में गए ना, तो अब पूछल जाए तो मतलब बहुत ज्यादा डेंजर साइड इफेक्ट तो वैसे कोनो खास है नहीं है रिपोर्टेड, उमर वर्ल्ड में पश्चिमी में वर्ल्ड में कुछ रिपोर्ट बा, अब कदा कौन चीज घटना के अब ओकरा भी पूरा डिटेल में छानबीन करे के पड़ी, वैक्सीने से भयल या कैसे भयल वो सब चीज कहल मुश्किल बा, मगर एगो दूगो कोनो घटना के जोड़ के पूरा वैक्सीन के निरुत्साहित करना ही गलत जी। अब अंत में हमने के कार्यक्रम में बानी सन, अंत में रहुआ दर्शक लोग के का कहे के चाहे राउत सुझाव का रही हमार सुझाव ये रहे उन लोग के कि सबसे पहले आत्मबल मजबूत करी, डराए के नहीं के, नंबर तीन
वैक्सीन के अपन शेड्यूल जल्दी फिक्स करी। अब वैक्सीन लिए जगह जगह पर चल रहा बा, बच्चा सब के भी जरूर वैक्सीन देवाई जो उम्र के हिसाब से मिल रहा बा, हमने के नेपाल सरकार के जो रूल बा फॉलो करके ले लेवे के। और जे पुरनका हमने के जन स्वास्थ्य के मापदंड करेंगे ओकरा के पालना करी, ज्यादा समय न लगी वेव के जाए में, पॉजिटिवली सोची, सुख समाचार जल्दी आवे के चाहिए, ज्यादा डराए के अवस्था। अब इतना व्यस्तता के बावजूद भी हमने के सब अपन समय देने वाले के विशेष धन्यवाद रे हमने ओर से। धन्यवाद सर जी। श्रोता आज हमने के साथ रही है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार सिंह, जे पहिलका दूसरका तीसरका लहर में भी एकदम अग्रपंक्ति में अग्र भूमिका निभा रहा बानी, साथ वहां के जौन एगो बागी अंदाज बैठे बागी अंदाज में भी कोनो भी बात के निर्धक रूप से संबंधित निकाय तक पहुंचा के प्रयास करनी। और हमने के आज के कार्यक्रम में वहां से विगत के दिन सब से सीखते हुए आने वाला दिन में कैसे तैयारी करे के चाहिए लगा के विभिन्न विषय वस्तु पर केंद्रित रह के बात कही करनी सर। फिर अगला श्रृंखला में नया अतिथि के संग युवा सबन के माध्यम में उपस्थित होकर बातचीत करत। आज के खातिर कैमरा पर सहयोग करल अमित अग्रवाल जी के धन्यवाद देत। हम श्याम सराफ लेम आ गया, नमस्कार।